नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस एपिसोड में एक बार फिर से। और आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि शून्य करार जो होते हैं वो क्या होते हैं और कौन से ऐसे करार हैं जो विधि द्वारा सीधे शून्य घोषित किए गए हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की धारा 10 के अंतर्गत विधिपूर्ण प्रतिफल और विधिपूर्ण उद्देश्य के साथ कोई भी करार संविदा में परिवर्तित होने के लिए ये आवश्यक है कि उन करारों को विधि द्वारा सीधे शून्य घोषित न किया गया हो। देश हित में सामाजिक तंत्र को बनाए रखने के लिए और जनता के हित के लिए कुछ करार ऐसे हैं जिन्हें विधि द्वारा सीधे शून्य घोषित किया गया है। पिछले एपिसोड में हमने प्रतिफल के कारण शून्य होने वाले करारों के संबंध में चर्चा की थी। इस एपिसोड में हम उन करारों या एग्रीमेंट्स के बारे में चर्चा करेंगे जिन्हें विधि द्वारा सीधे शून्य घोषित किया गया है। वैसे तो बहुत सारे करार ऐसे हैं जिन्हें विधि द्वारा सीधे शून्य घोषित किया गया है, लेकिन इस एपिसोड में हम विवाह के अवरोधक करार और व्यापार के अवरोधक करार के शून्य होने के बारे में चर्चा करेंगे। अगर बात करें सेक्शन 26 की तो ये धारा विवाह के अवरोधक करार को शून्य घोषित करती है, यानी ऐसे करार जो किसी विवाह के लिए अवरोधक हों विधि द्वारा प्रारंभ से ही शून्य घोषित किए गए हैं। यदि किसी विवाह में किसी प्रकार से कोई अवरोध उत्पन्न किया जाता है तो इसे अनुचित माना जाता है। विवाह में अवरोध उत्पन्न किया जाना सामाजिक बुराई है और ये नैतिकता की दृष्टि से भी ठीक नहीं है। विवाह में अवरोध उत्पन्न करने संबंधी करार लोक नीति से परे होने के कारण सीधे शून्य होते हैं। विवाह में अवरोध पैदा करने वाला किसी भी प्रकार का करार शून्य होता है, लेकिन जहां एक मुस्लिम पति अपनी पत्नी द्वारा खुद को तलाक देने के लिए अधिकृत बनाता है या करता है और उसके बाद जब वो किसी दूसरे से विवाह करती है तो इस धारा के अंतर्गत ऐसा करार शून्य नहीं है। यहां विवाह में पूर्ण अवरोध पैदा करने संबंधी करार का तात्पर्य है किसी व्यक्ति को विवाह करने से पूरी तरह रोक दिया जाना। अब बात करते हैं सेक्शन 27 की, जिसमें व्यापार में अवरोध पैदा करने वाला करार को शून्य घोषित किया गया है, शून्य करार किया गया है। अब तक अगर आप सभी ने भारत के संविधान की देखी है तो आप जान ही गए होंगे कि भारत का संविधान भारत के नागरिकों को स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार और वाणिज्य करने की स्वतंत्रता देता है। ऐसे व्यापार और वाणिज्य जिन्हें विधि द्वारा वैध घोषित किया गया है उन्हें कोई भी भारत का नागरिक भारत के किसी भी क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक कर सकता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की धारा 27 के अंतर्गत व्यापार के अवरोधक करारों को सीधे शून्य करार घोषित किया गया है। व्यापार में अवरोध उत्पन्न करने वाला हर एक करार शून्य होता है, फिर चाहे उस करार के अंतर्गत अवरोध पूर्ण हो या अवरोध आंशिक रूप से पैदा किया गया हो। लेकिन अगर किसी व्यापार पर कोई अवरोध लोक हित के लिए लगाया जाए या लोक हित में आवश्यक है तो उसे वैलिड माना जाएगा। ध्यान रखिए, कॉन्ट्रैक्ट ट्रांजैक्शन या संविदा संव्यवहारों में इस बात का खास ध्यान रखा गया है कि यदि कोई करार किया गया है और वो किसी भी रूप में लोक नीति के परे है तो ऐसी स्थिति में वो करार उचित और युक्तियुक्त नहीं माना जाएगा और वो करार शून्य होगा। युक्तियुक्त शब्द का मतलब रीजनेबल होता है।